जी एवरीवन, हमने ताज होटल जो है वो होटल लिया है टू नाइट स्टे के लिए, और मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है नथिया गली का। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले, घंटे पहले तक पहुँचे थे नथिया गली में, और आते ही हमने दो तीन जो हैं वो होटल चेक किए हैं, तो हमें इस होटल की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये मेन बाज़ार के अंदर है, मेन बाज़ार के अंदर है ये ताज होटल। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि सारी शॉप्स बिल्कुल इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और आइडियल लोकेशन इसे कह सकते हैं। रौनक मेला यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमें पकोड़े खाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, रास्ते में हमने पकोड़े खाए थे, तो अब हमें ज़ोरों शोर से भूख लग रही है, तो अब हम आगे जाने लगे हैं और ढूंढने लगे हैं कि खाना कहाँ से खाया जाए। तो आए हाँ, आप ही हमारे साथ चलें। तो मम्मी, खाना कहाँ से खाया जाए? कढ़ाई से खाते हैं। अच्छा, बट कढ़ाई से हम खाने का सोच रहे हैं, पर है किधर बट कढ़ाई? राइट है। अच्छा, बट कढ़ाई पे हम खाने का सोच रहे हैं, या बाज़ार का व्यू साथ साथ चेक कर सकते हैं कि आइसक्रीम कौन वाले हैं। ये शॉप्स बड़े मज़े की शॉप्स बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी शॉप्स हैं। हाँ, इन शॉप्स का भी हम आपको दिखाएँगे अंदर जाके, पर फिलहाल क्योंकि हम भूख लगी हमें, तो हम अभी जाके तो खाना खाने का सोच रहे हैं। हाँ, और करीब ही है ताज होटल से ना, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है ताज होटल से, वॉकिंग डिस्टेंस है बट कढ़ाई। ये जी आ गई है बट कढ़ाई, इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो इसे ट्राई करने आए हैं। देखते हैं कि बट कढ़ाई जो है वो हमें खा के कैसी लगती है। टेस्टी बट कढ़ाई। जी हम अंदर पहुंच के हैं बट कढ़ाई के, और ये अंदर से मैं आपको इसका व्यू चेक करा रही हूँ। काफ़ी बड़ा इन्होंने डाइनिंग एरिया दिया है, काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है, काफ़ी बड़ा एरिया लग रहा है, पर हम सोच रहे हैं कि अगर हम बाहर बैठ के खाना खा लें, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बालकनी का व्यू चेक करें आप ज़रा, कितना अच्छा व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। देखो ऊपर चलते हैं, ऊपर भी एक एरिया, ऊपर चलते हैं। तो इस बार हम फर्स्ट टाइम जो है वो बट कढ़ाई आजमाने लगे हैं, पहले कभी भी हमने बट कढ़ाई नहीं खाई, तो अभी देखते हैं कि हमें बट कढ़ाई का जो जायका है वो कैसा लगता है। अभी जो है हम लाहौर वाले बट साहब हैं, ये रिव्यू आ गया है पहला कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो देखें जी, कस्टमर्स यहाँ के जो आने वाले हैं, खाने वाले यहाँ के जो फैंस हैं, वो तो ऑलरेडी तारीफ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर भी सिटिंग एरिया है, पर ऊपर ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे। खैर, ये मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये इनका छत वाला एरिया है। ओके जी, यहाँ के शेफ़ से आपको मैं मुलाकात करवाने लगी हूँ, जिनका नाम है जानू भट्ट। हाँ जी, ये जी हमारे जानू भट्ट हैं जी, ये लाहौर से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, नथिया गली में जी जी हम लोहरी नाश्ता दे रहे हैं। अच्छा, बोंग पाए हैं। अच्छा, न्यारी है, चने हैं, लस्सी है। अच्छा, हलवा पूरी है। हलवा पूरी है। बाकी ये बताएंगे कि इनके रेसिपी में क्या इस्तेमाल। अच्छा, क्या स्पेशलिटी है, सबसे स्पेशल कौन सी डिश है? बोंग पाए हमारी सबसे स्पेशल डिश होती है। अच्छा, बोंग पाए सबसे स्पेशल डिश होती है। बोंग पाए स्पेशल डिश होती है। और लोग क्या सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद करते हैं?
डेफिनेटली आप जानते हैं बोंग पाई लाहौर की स्पेशल डिश है। बोंग पाई की ज़्यादा डिमांड है इधर, ज़्यादा डिमांड इधर बोंग पाई की है। बोंग पाई की ज़्यादा डिमांड है, वैसे निहारी भी चल रही है लेकिन बोंग पाई की ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, और कढ़ाई की कितनी ज़्यादा डिमांड है? कढ़ाई तो बट कढ़ाई तिका शाह पूरे पंजाब की, आप पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बटरों का नाम है। पाँच ब्रांचें हमारी, पाँच ब्रांचें हैं माशाल्लाह से इनकी। और ये बता रहे हैं कि यहाँ बोंग पाए सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है इनकी। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे तो इधर हो गए हैं, तो 2008 से मैं इधर काम कर रहा हूँ। 2008 से ये इधर काम कर रहे हैं, यहाँ के स्पेशल शेफ हैं ये। और आज इनके हाथ का खाना हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि हमें कैसा लगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी, अब हम ऑर्डर करते हैं। हाँ, मैन्यू हम देखें तो फिर हम आपको बता देते हैं। बट कढ़ाई की मशहूर देसी मुर्गा कढ़ाई है ये, हमारे पास सील मुर्गे होते हैं। अच्छा, जो हम मियाँ वाली से परचेज करते हैं। अच्छा, मियाँ वाली से परचेज करते हैं। मियाँ वाली से हमारे देसी मुर्गे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा टोटल किचन लाइव है। अच्छा, लाइव कटिंग मीट है। क्या बात है। गेस्ट आते हैं, अपनी पसंद से मुर्गा चॉइस करते हैं। वहाँ ज़िबा होता है। हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो सर्विंग टाइम है वो 1 आवर है। अच्छा। कटिंग के बाद उसको वहाँ पे वाश करते हैं, वाश करके हमको प्रेशर कुकर लगा के हम कढ़ाई अपनी। इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल फ्रेश फूड खिलाते हैं। बिल्कुल, बट कढ़ाई का ट्रेंड ही ऐसा है। अच्छा। पाकिस्तान में जितनी ब्रांचेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हम लोगों को फ्रेश मीट, फ्रेश फूड सर्व कर रहे हैं यहाँ। स्पेशलिटी जो है हमारी देसी मुर्गा कढ़ाई है। जब उसमें मक्खन ऐड होता है उसका टेस्ट और प्लस हो जाता है टेस्ट। और सबसे बेस्ट बात यह है कि जो भी यहाँ मुर्ग कढ़ाई खाए वो अपना चिकन खुद पसंद करे और उसी वक्त वो पका के देंगे। भी है, मटन भी लाइव कटिंग हो सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये पुराना फ्रिज का या फ्रीज हुआ हुआ पुराना नहीं, या बासी गोश्त नहीं देते। बिल्कुल सामने क्लियरली ओपन किचन। क्या बात है, बहुत आला। तो और ये पाकिस्तान की मशहूर कढ़ाई है। बट कढ़ाई एक नाम है लाहौर में, इनका नाम है, एक ब्रांड है जी, एक ब्रांड। पाकिस्तान की सबसे मशहूर कढ़ाई है बट कढ़ाई है जो आज हम खा के तो चेक करेंगे। हमने भी इसके बारे में बहुत सुना है। जी जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। तो अब हम ऑर्डर करके तो हम इंशाल्लाह हम देखते हैं कि कैसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बट कढ़ाई का, हाँ जी। ओके जी, ये आ गया इनका मेन्यू और बट कढ़ाई वालों का। और इनकी कढ़ाई तो हमने खानी ही है, लेकिन मैं आप लोगों को साथ में इनका मेन्यू भी थोड़ा शो करा दूँ। मटन कढ़ाई, चिकन ब्रॉयलर, चिकन वाइट कढ़ाई, काफ़ी सारी इनके पास वैरायटी मौजूद है। टकाटक, बारबेक्यू, फिश, उसके अलावा जो है नान रोटी, कोल्ड ड्रिंक्स, रायता सलाद, चाय, कहवा, ब्रेकफास्ट आइटम्स काफ़ी सारे इनके पास मौजूद हैं और काफ़ी सारी वैरायटी इनके पास मौजूद है। तो अब हम ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आपको जब भी ऑर्डर आ जाए तो हम आपको दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमें टेस्ट कैसा लगा इसका। ठीक है, ये देखें जी, ये आ गई है यहाँ की चिकन कढ़ाई जो कि है बट कढ़ाई। रंग बड़ा ज़बरदस्त है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। साथ हमने मंगाए हैं जी रोगनी नान, आहा, ताज़ा तरीन, गर्मा गर्म, इतने बड़े साइज़ का रोगनी नान। साथ है जी रायता और अभी हम खाते हैं और खा के तो टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। हाँ जी मम्मी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बेहतरीन, मम्मी कह रही हैं कि उन्हें मज़ा आ गया खा के और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी लगी है। अभी मैं भी आपको खा के टेस्ट करके बता दूँ। अच्छा जायका, मम्मी कह रही हैं कि बहुत अच्छा जायका है। वाकई पाकिस्तान में जो बट कढ़ाई है ना सबसे वो शानदार है। हमने ऊपर इसलिए डिसाइड किया कि हम ऊपर बैठ जाएँ ताकि ऊपर जो है वो लोग ज़रा कम हैं, इसलिए हम ऊपर बैठे हैं। और अब मैं भी खाना खाने लगी। बहुत बेहतरीन जायका, वाह। ये मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कढ़ाई खानी हो तो बट कढ़ाई आ जाए। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छी कढ़ाई आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनका नान भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और एक मोबाइल से ही समझ आ गई, इतना ज़्यादा टेस्ट। आप पर्सनली ख़ुद बट कढ़ाई खा के देखें, स्पेशली ये नथिया गली वाली, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम बट कढ़ाई जो है वो ट्राई की है
फर्स्ट टाइम हमने जो है बट कढ़ाई खाने लगे और हमें पहले नहीं पता था कि इसका टेस्ट क्या, हालांकि हमने काफ़ी तारीफ़ें इसकी सुनी थी, जैसे काफ़ी सारे ब्लॉग हमने देखे और लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम भी खा के देखें। बट पहला नवाला जो है वही मुँह में डालते ही जो है टेस्ट समझ आ जाती है कि कोई झूठ मूठ नहीं है या फालतू प्रमोशन नहीं है इसकी। रियली मुझे तो मुझे मम्मी को बेहद पसंद आई है ये, आप लोगों को लाजमन ट्राई करनी चाहिए। और ये कोई एक खाने से आती है, रोका जा सकता है। और ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग रॉ कंटेंट बनाते हैं, बस जहाँ पे हम जाएँ वहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं, जो हम फील करें वो हम कहते हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। इसका मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई में रियली इट्स टू गुड, जो चीज़ हमें पसंद आए हम उसकी प्रॉपर जैसी जैसे वो होती है ना वैसे हम आपको बताते हैं। मैं खा रही हूँ तो मुझे इसका जायका पता चल गया। अब आप जब तक आप लोग खुद इसे खा नहीं लेंगे ना, तब तक आप लोगों को सही तरह समझ नहीं आएगी कि ये तारीफ़ क्यों कर रहे हैं या ये प्रमोशन है। ये रेकमेंडेड है, एक बार आके इनकी कढ़ाई खा के आप देख लें, मज़ा आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा अमीन नवाला बनाया, नथे गली में हम आए हैं, तो ये हमारा पहला खाना है माशाल्लाह से। आज हमारा ये पहला खाना है, सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम बट कढ़ाई खा के देखेंगे इसकी शोहरत की वजह से। तरह रोज़ यही आके खा रहे हैं ना। वैसे स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगी कि नथे गली वाली आप खाएँ आके, वैसे तो टेस्ट हर जगह सेम होगा बट हमने नथिया गली के बट कढ़ाई से बैठ के कढ़ाई खाई है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है जी, कट का ऑप्शन अवेलेबल है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो बट कढ़ाई चट कर दी है, बट कढ़ाई चट कर दी है हमने, लगा लगा के हमने खा लिया और बड़ा ही मज़ा आया। आप यहाँ आएंगे तो मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि आप जब आएंगे और यहाँ खाएंगे तो इसी तरह ही खाएंगे। और अभी हमारा पेट फुल हो चुका है, अभी हम जाएंगे अपने होटल वापस और थोड़ा सा आराम करेंगे और हो सकता है बैठ के गर्मा गर्म चाय पी लें, तो मिलते हैं। हाँ, या आइसक्रीम खा लें, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।